श्लोक बंधुरात्मेना जिता अनात्मनस्तु शत्रु वर्तेतात्म शत्रुवत उस जीवात्मा कथो तो वैप ही मित्र है जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है जीवात्मा का अर्थ है मन इंद्रिय बुद्धि चित, अहंकार पंच प्राण के इस समूह में जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ उसे कहते जीव चैतन्य व्यापक है इस व्यापक चेतना का प्रस्फुटन रिफ्लेक्शन मन में हुआ मन है समझो उस शीशे की तरह जिसमें चेतन रूपी सूर्य छलका और इसी छलके हुए को मैंने मन, मन बुद्धि चित्तांकार ये एक अंताकरण चेतन चेतन का जो रिफ्लेक्शन हुआ आभास इन तीनों को जोड़े तो हुआ जीवात्मा जीवात्मा को ही छोटे शब्द में या एक ही शब्द में जब कहना हो तो हम कहते जीव जीव क्या है जीव चैतन्य उसका आभास और अंताकरण मन बुद्धि अहंकार आभास और चेतन इन तीनों के जोड़ को कहते जीवात्मा श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन इंद्रिय सहित शरीर को जीता है देखिए वेदांत पढ़ने सुनने वाले कह देते हमें आसनों से क्या मतलब हम तो मन हैं हम शरीर क्यों साधें और तमाम वेदांती इरिस्पेक्टिव ऑफ विच स्कूल और विच महात्मा दे फॉलो दे एंड अप बीइंग सिख डिपेंडेंट ऑन देयर डिसाइपल्स एंड दे सफर सो मच मैंने देखा ज्ञान विज्ञान वेदांत के वो प्रकांड जानकार थे परंतु उनके शरीर अस्वस्थ शुगर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक किसी महात्मा के शरीर में अनुवांशिक जेनेटिक कोई बीमारी जागृत हो जाए तो वो एक बिल्कुल एक्सेप्शनल केस पर मूल रूप से मैं ये कह सकती हूं कि अधिकतर शरीर रोगी तब होता है जब कोई अनियमित असंयमित जीवन जी रहा हो श्री कृष्ण ने साधक की जो पहचान दी है वो पूर्व के अध्याय में वो कह चुके हैं अधिक खाने वाला अधिक सोने वाला अधिक बोलने वाला साधक नहीं हो सकता आप अपने आप को देख लीजिए इस बार मैंने ये आदेश परामर्श नहीं दिया कि तुम लोग पांच घंटे को या दिन भर को मौन रहो कोई किसी ने भी तुम में से मौन रखा क्षमा कीजिए अगर सुबह मैंने यह कहा कि इंसान कम डंगर ज्यादा हो तो उसमें कुछ गलत नहीं कहा मनुष्य को कहना नहीं पड़ता है पर पशु को डंडा मार मार के या डंडा दिखा दिखा के मालिक चलाता नहीं दिखाए तो मुंह उठा के वो कहीं भी निकल लेगा मौन रखो तो मजबूरी में रख लिया मजबूरी में पर व्हाट कैन आई डू एंड आई एम नॉट गोइंग टू येल आई हैव ठीक है जो तुम्हें करना हो सो करो हमारा काम है ये बतला देना क्या सही है और क्या गलत उसके बाद भी कोई गलत करता है तो जिम्मेदारी उसकी मेरी नहीं और ये बात हर शिविर में होती हर शिविर में अगर हम कुपित ना हो क्रोधित ना हो धमकाए नहीं इमोशनली तुमको प्रेशराइज नहीं करें तब तलक तुम कभी भी शिविर में आके भी सात्विक नहीं हो पाते हो। इसे मैं बदकिस्मती कहूं कि तुम्हारा ढीठपना कहूं भगवान ने कहा जो अधिक बोलता है अधिक सोता है अधिक खाता है लिख के कहीं लगा रखो अपने गले में पट्टी लगाओ अपने मथे में लगाओ हाथ पे लिखो कहीं लिखो लिख के रखो अपने सामने ताकि जब तुम अधिक बोलो तो तुम्हें कोई तो चेताए कि तुम ठीक नहीं कर रहा है एनर्जी वक्त बर्बाद हो रहे हैं वेदांत सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बन जाता है उनके लिए जो साधनात्मक जीवन नहीं जीते इसलिए श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट कह रहे हैं जिसने मन इंद्रिय सहित शरीर जीता है मन को भी शरीर को भी इंद्रियों का भी दोनों वेदांती मन के ऊपर लगे हैं मन से भी ज्यादा वो बुद्धि के ऊपर लगे हैं मन के ऊपर ध्यान ही लगे, जो ध्यान करते वो मन पर काम कर रहे जो ज्ञान चिंतन करते वो बुद्धि पर काम कर रहे जो हठ योग राजयोग का अभ्यास करते वो शरीर को साध रहे और श्री कृष्ण कहते शरीर भी मन भी बुद्धि भी और इंद्रिय सबको जिसने जीत लिया है वह अपना ही मित्र होता है और जिसने अनाप मन मने जिसने मन इंद्रिय शरीर बुद्धि जीते नहीं हैं वो अपना ही शत्रु होता है इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए अपने आप को देख लो तुम निर्णय करो क्या तुम अपने मित्र हो या तुम अपने शत्रु जब तुम आंख भी बंद तब करो कि जब गुरु देख रहे हो पता हो गुरु ने यहां से निकलना था आंख बंद करके बैठे ऋषिकेश के इस शिविर में मैं प्राय अचानक से कभी अंधेरे में कभी दिन में चुपके से बिना इन्फॉर्मेशन अचानक से निकल आती हूं तो देखती हूं बातचीत कर रहे हैं जोर जोर से अजीब बेहोश से चल रहे हैं देख कहीं रहे हैं चल कहीं रहे और वो मेरे ठीक सामने आ रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है क्योंकि वो देख कहीं और रहे हैं ध्यान कहीं और है शरीर कहीं और और दूसरा कोई व्यक्ति जिसकी एक्सीडेंटली मेरे पे नज़र पड़ गई है वो उसको बाहर से पकड़ के किनारे करता है देखो बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं हमारी शक्ल देखते ही चुप हाथ जोड़ लेंगे जमीन पर लेट जाएंगे सिवाय नाटक और पाखंड के और कुछ नहीं होता ये तुम्हें लगता है तुम इससे मुझे प्रभावित कर लोगे अगर आज मैं स्वामी बुआ जी का शब्द इस्तेमाल करूं तो उनका फेवरेट शब्द होता था यू आर अ फूल यू आर अ डबल फूल सिंगल भी नहीं कहते थे डबल फूल Who is not the one who is not honest to oneself is a fool. The one who is not sincere is a fool. The one who, after listening to knowledge, still goes astray is a fool. वही बात श्री कृष्ण कह रहे शब्द मंजे हैं शब्द बड़े सभ्य हैं सुसंस्कृत हैं वो इतना ही कह रहे हैं तुम तुम्हारे ही शत्रु हो अगर तुमने शरीर मन इंद्रिय को जीता नहीं शरीर को जीतोगे कैसे राजयोग के हठ योग के अभ्यास से मन को जीतोगे कैसे प्रत्याहार धारणा, ध्यान से बुद्धि को जीतोगे कैसे ज्ञान चिंतन से और इंद्रियों पर विजय पाएगा कौन जिसके पास मन और बुद्धि का संयम और ठहराव होता है तो दे आर इंटरलिंक्ड दिस मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन ऑल फ्रंटियर्स राइट फ्रॉम बॉडी टू सेंसेस टू माइंड टू ब्रेन यू कैन नॉट कैन नॉट ड्रॉप इवन वन थिंग अच्छा बात है वेदांती देखो तो दिन रात वेदांत घुलते रहते मैं सचिदानंद ब्रह्म हूँ मैं आत्मा हूं मैं सचिदानंद ब्रह्म हूँ आई एम दैट आई एम दैट आई एम दैट खाते समय कोई होश नहीं कुछ भी खा रहा है बोलते समय होश नहीं कुछ भी बोल रहा है कर्म करते समय होश नहीं कुछ भी कर रहा है ममता और आसक्ति में भरा है क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूँ क्या फर्क पड़ता है मन उसका एकाग्र नहीं शरीर उसका स्वस्थ नहीं फिर मैं तो ब्रह्म हूं ऐसा वेदांत किस काम का मैंने बहुत से महात्मा देखे उनका ज्ञानोपदेश सुनो तो इतना खूबसूरत पर उनके शरीर रोगी और ये वो रोग नहीं थे जो अनुवांशिक थे जो जेनेटिक थे ये वो रोग थे जो उनके असंयमित खाने की वजह से थे महात्मा को करुण हृदय रखना चाहिए पर अपने भक्तों पर करुणा करते करते अपना शरीर खराब कर ले ये तो कोई समझदारी नहीं करुणा करनी है तो सबसे पहले अपने शरीर पर करें और अपने शरीर पर हम करुणा इस प्रकार करते हैं एक रात्रि समय पर सोते हैं सुबह समय पर जगते हैं होश से खाते हैं होश से बोलते हैं सिर्फ आँख बंद करके थोड़े देर बैठ गए किसी टेप के सहारे इसको साधना नहीं कहते तुम्हारे एक एक पल में तुम्हारी विवेक तुम्हारा ज्ञान छलकना चाहिए हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ हाउ यू एक जैन मास्टर का ये कहना था कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो साधना करता है मैं सिर्फ उसे सोते हुए देखूंगा और वो जिस तरह सोएगा उसी से पता चल जाएगा कि वो एक साधक है या नहीं स्वप्न अवस्था में तुम्हारे बुद्धि का कोई कंट्रोल नहीं रहता तो तुम कोई पाखंड नहीं कर पाओगे स्वप्न में अगर आप काम उत्तेजित होंगे तो तुम्हारे शरीर में उसके लक्षण आ जाएंगे स्वप्न में अगर तुम डरोगे तो उसके लक्षण शरीर में आ जाएंगे स्वप्न में अगर आप भयभीत हो रहे हैं तो भय शरीर में दिखने लग जाएगा तुम कैसे कह सकोगे कि मैं भय और काम और इन सब वेगों से परे हो गया होंगे okay, तो मैं सिर्फ तुम्हें सोते हुए देखूंगा बोलो मत मेरे सामने असंयमित व्यक्ति जब सोते हैं तो नींद में भी परेशान उनके मुंह बिगड़ते रहेंगे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं पलटी खाते रहेंगे ये पलटी खाना बता रहा है कि नींद गहरी नहीं और जिसकी नींद गहरी नहीं इसका अर्थ वो अशांत है तनाव में है इसीलिए उसको आरियम रेपिडाइम मूवमेंट उसकी आंख की पुतली जोर जोर से हिलती रहेगी क्योंकि उसे स्वप्न आ रहे हैं दिन में तो तुम झूठ झूठ बोलोगे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हो पाखंड कर सकते हो जो तुम नहीं हो वो तुम दिखा सकते हो पर नींद में क्या करोगे बुद्ध के लिए कहते हैं वो एक ही करवट सोते थे और रात भर एक ही करवट में सोते थे आनंद उनके संग्रह और उसने कभी उनको करवट बदलते हुए भी नहीं देखा एक दिन आनंद ने पूछा वंते मैं जानना चाहता हूँ कि आप का ये सोने का ढंग कुछ अजीब है प्रायः सोते समय आदमी थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता है घुटना मोड़ता है कोई दोनों घुटने मोड़ के छाती में लगा लेता है कभी बाएं या दाएं होता है या कभी सीधे होता है आप एक ही करवट में बुद्ध ने कहा जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया दिन में तो होश रहती पर एक रात करवट बदली और करवट बदलते ही ख्याल आया कि करवट बेहोशी में बदली है उस दिन से मैंने करवट बदलनी छोड़ दी उस दिन से मैं एक ही करवट में सोता नींद में करवट बदली है उसके लिए भी उन्हें दुख हो रहा है। कि, कि हम कैसे बेहोश हो सकते हैं कि पता भी ना चले कब बाएं से दाएं हो गए मुझे पता होना चाहिए देह सोती है और वो अंदर जागता है इस जैन गुरु ने कहा मुझे बताओ मत कि तुम क्या करते हो मैं सिर्फ तुम्हें सोते हुए देखूंगा और वैसे सिर्फ सोते हुए ही नहीं तुम्हें खाते हुए देख के बताया जा सकता है तुम साधक हो या नहीं होश में हो या नहीं जब चलते हो तब बताया जा सकता है तुम होश में हो या नहीं क्योंकि बेहोशी तो सब जगह छलकती जो ये कहते हैं कि हम तो ज्ञान का मार्ग अपनाया है तो ज्ञान चिंतन करते हैं मन बिखरा है तो बिखरा रहे इंद्रियां असंयमित असंयमित रहे शरीर का क्या शरीर तो मिट्टी है इसको क्या आड़ा टेढ़ा करते रहे हम आशा में हम नहीं करते वास्तव में बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ माइंड वास्तव में जब तुम शरीर साधते हो उस समय शरीर नहीं तुम मन साध रहे होते वृक्ष आसन नटराज आसन त्रिकोण आसन ये वो आसन है जिनमें आप उस आसन में ही नहीं जा पाओगे अगर आप इम्बैलेंस्ड हैं अगर आपका दिमाग अगर आपका लोअर ब्रेन एक्टिव नहीं है क्योंकि हमारा लोअर ब्रेन बैलेंसिंग को हैंडल करता है स्थिर आसन में स्थिर हो और आसन में स्थिर तभी हो सकता है जब मन स्थिर हो भगवान कह रहे जिसने शरीर मन और इंद्रियों को जीता है वो अपना ही मित्र है और जिसने शरीर मन और इंद्रियों से हार गए हैं जिनका मन विजयी हो गया है जिनकी इंद्रियां विजयी हो गई हैं वह अपने ही शत्रु स्वयं होते जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान यो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि को में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सचिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं ऋतु बदले मौसम बदले तापमान ऊपर नीचे हो सर्दी हो गई गर्मी हो गई मान हो गया अपमान हो गया इन बदलते हुए रंगों में इन बदलते हुए मौसमों के वजह से वो पीड़ित नहीं होता विक्षिप्त नहीं होता हमारे एक मित्र संत वो गोमुख से ऊपर तपोवन में लगभग बीस वर्ष रहे अपने गुरु के साथ बीस वर्ष करीब रहे और उनका ये कहना माइनस थर्टी फाइव डिग्री तापमान में एक लंगूटी में रहना ये सिर्फ शारीरिक तप नहीं था वेदांत कहता है तू शरीर नहीं ये खाली एक वाक्य है डायलॉग है स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल करने के लिए सब कपड़े निकाल लिए सिर्फ एक लंगोटी में है माइनस तीस डिग्री जीरो डिग्री पे पानी बर्फ हो जाता है और माइनस तीस डिग्री लंगोटी में है एक संकल्प मैं दे नहीं हूं मैं दे नहीं हूं ठंड लगती तो देह को मुझे थोड़ा यह संकल्प इतना गहरा उसके साथ कुछ और भी रहस्यमयी विधियां थीं जिन विधियों के उपयोग से अपने शरीर के अंतरंग हीटिंग सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है जैसे आपके पास हीटिंग सिस्टम कूलिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं इसी तरह हमारे शरीर में भी एयर कंडीशनर भी है और हीटर भी है योग की कुछ एक पद्धतियाँ ऐसी हैं कुछ एक विधियाँ ऐसी हैं जिसके द्वारा आप अपने बॉडी के थर्मोस्टैट को फिक्स कर सकते हैं गर्म या बहुत ठंडा कर सकते हैं इतना ठंडा कर दें कि रेगिस्तान में आप खड़े रहें जहाँ तापमान 80 डिग्री 100 डिग्री तक चला जाए 100 डिग्री चला जाए फिर भी आप परेशान नहीं होंगे शरीर शीतल रहेगा और इसके विपरीत हमारे ही शरीर का थर्मोस्टेट हम इस तरह फिक्स कर सकते हैं सेट कर सकते हैं कि माइनस तीस डिग्री में तुम खड़े हो और तुम्हें ठंड महसूस भी नहीं हो रही बल्कि तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं में एक ऐसा स्कूल है जिनमें वर्षों भिक्षु इसके ऊपर काम करते हैं और फाइनल जो टेस्ट होता है वो ये कि जब बर्फ की चादर ओढ़े पूरा शीत शीतलहर से चिपटा होगा शीतलहर की चपेट में होगा रात्रि के समय जबकि टेम्परेचर और भी नीचे गिर जाता है तब भिक्षु नंगे बदन बर्फ में खड़े होंगे और गुरु उनका परीक्षा लेता है जिसने अपने शरीर से पसीना निकाल दिया तर बतर पसीने से भर जाए मतलब उसका प्रयोग पूरा हो गया अब आप मेरे को बताइए क्या आप अपने शरीर के सिस्टम से परिचित हैं तुम्हें ये अजीब बात लग रही है अनहोनी लग रही है जबकि अनहोनी नहीं डू यू अंडरस्टैंड योर बॉडी एक मिनट में पंद्रह से सोलह श्वास तुम लेते औसतन पंद्रह से अट्ठारह जो चंचल मन के हैं बीस तक शरीर जिसने साधा आप अपने श्वास की गति को प्रति मिनट कम करें करते जाएं, करते जाएं। आठ तक आते आते मन ठहर जाएगा चार तक आते आते ध्यानस्थ हो जाओगे किसने कहा शरीर को साधने की जरूरत नहीं यह शरीर अध्यात्म का यंत्र है यह साधन है आप मुझे बताइए तुम्हारा शरीर कहां खत्म होता है और कहां से मन शुरू होता है कोई ऐसा बैरियर है कोई ऐसा, ऐसा जंक्शन जहां से तुम कहो कि यहां से मन खत्म हो गया अब यहां से शरीर शुरू हो गया शरीर मन एक है शरीर मन का स्थूल रूप है और मन शरीर का ही सूक्ष्म रूप मतलब जब आप काम शरीर पर करते हैं प्रभाव मन पर जाता है जब मन पर करते हैं प्रभाव शरीर पर आता है सर्दी गर्मी है सुख दुख है मान अपमान है कुछ होता रहे पर प्रशांत जिसका अंत शांत रहता है जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं उठता है स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में ज्ञान माने बुद्धि में जो स्वाधीन है स्वाधीन कौन है जो मन का बुद्धि का शरीर का इंद्रियों का गुलाम नहीं है जो स्वाधीन है उसकी बुद्धि तो निरंतर सदा ही एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की निश्चय में रहती विदाउट एनी एफर्ट

युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकांचन जिसका कांतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है विकार रहित है और जिसकी स्थिति अच्छी प्रकार इंद्रियां जिसकी जीती हुई हैं उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब समान ऐसे योगी के लिए युक्त है अर्थात भगवत प्राप्ति वाला है ऐसा कहा जाता है ज्ञान अविज्ञान तृप्तात्मा जिसका अंतस ज्ञान से तृप्त हो गया जो कुटस्थ साक्षी में स्थिति पाए जो इंद्रियों को इंद्रियों से जिसने विजय पाई देखिए इंद्रियां हैं पांच नेत्र करण नासिका रचना और त्वचा किन्नी किन्नी शास्त्रों में मन को भी इंद्री कहा गया माइंड इज सेंस ऑर्गन क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये अपने आप में तो जड़ है तो मन है जो आँखों के जरिए बाहर आता है